नमस्कार, मैं डीजीपी उत्तराखंड आज आपको चार धाम यात्रा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये इनके खुलने का समय आ गया है। 3 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार खुल रहे हैं, 6 तारीख को केदारनाथ जी के द्वार खुल रहे हैं, 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के द्वार खुल रहे हैं और 22 तारीख से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस आपका इस यात्रा में स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं कुछ टिप्स या कुछ जानकारियां आपको आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि इस बार चार धाम की यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं, registration@touristcare.uk.gov.in इस लिंक पर आप जो है अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करा पाएंगे उनके लिए जो उत्तराखंड के बॉर्डर्स हैं, जैसे नारसन है या अशारोड़ी है या कोटद्वार है, वहाँ पे भी ये रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। पर मेरा सुझाव है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करा लें, क्योंकि एक दिन आने वाले यात्रियों की संख्या लिमिटेड की गई है, जिससे कि आपको ऊपर जा कर के परेशानी ना हो। दूसरी एक गलत फहमी फैलाई गई है कि कोविड के दृष्टिगत आपको RT-PCR रिपोर्ट होना ज़रूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से RT-PCR रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पर नहीं की जाएगी। जो केदारनाथ जी की हेलीकॉप्टर बुकिंग है वो heliservices.uk.gov.in वेबसाइट पे होती है, किंतु उसका जो चल रहा है परंपरा वो ये है कि 70% ऑनलाइन है, 3% ऑफलाइन है, 30%। तो ऑनलाइन बुकिंग इनको खोलते ही पूरा हो जा रही है। फिर भी इसमें मेरा आपको सुझाव ये है कि जो लोग को अभी स्लॉट नहीं मिल रहा है मई जून में, क्योंकि एकदम भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग अपनी यात्रा को थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं। अगर उनको अभी स्पेस नहीं मिल रहा है तो सितंबर अक्टूबर में भी यात्रा उसी ढंग से होती है ना। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी यात्रा को आप, ज़रूरी नहीं है कि मई जून में ही करें, उसको थोड़ा खिसका भी सकते हैं। सितंबर अक्टूबर तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। साथ ही मेरा एक सुझाव है कि ऑनलाइन बुकिंग के नाम पे होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। कुछ एक फ्रॉड हमने पकड़े भी हैं, तो उनसे सावधान रहें। ऑथेंटिक वेबसाइट से ही, ऑथेंटिक साइट से ही अपने जो है ऑनलाइन ख़रीदारी करें। और पहाड़ों पे यात्रा करना हमेशा एक प्रकार से टफ है, रिस्की है, इन द सेंस कि ड्राइवर को कभी कभी लंबे रास्ते हैं, नींद आ जाती है, घुमावदार सड़कें हैं, और जो है इसलिए मेरी आपसे एक अपील है कि थोड़ा स्लो चलें, थोड़ा समझदारी से चलें, सावधानी से चलें और ड्राइवर को ब्रेक देके चलें। हर 2 से 3 घंटे में उसको एक ब्रेक जरूर देना चाहिए, नहीं तो उसकी जो है गर्दन जो है स्टिफ हो जाती है और इसलिए वो कभी कभी ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रैफिक के दृष्टिगत एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन हिल्स में लगाई जाती है, वो ये है कि रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जो है वाहनों का चलना अलाउड नहीं है। तो इसलिए अपना प्लान, जहाँ भी आपको पहुँचना है उस रात, मान लिया किसी को जोशीमठ पहुँचना है, किसी को चोपता पहुँचना है, पीपलकोट, जहाँ भी पहुँचना है वहाँ 10 बजे से पहले पहुँच जाए, ये सुनिश्चित करें, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर आपको जाना अलाउड नहीं होगा। तो कृपया करके इस बात का भी ख्याल रखें। उत्तराखंड पुलिस का जो ध्येय है वो है मित्रता, सेवा, सुरक्षा। आपको पूरे रास्ते भर हमारे उत्तराखंड पुलिस का सहयोग मिलेगा, हमारे जो है पुलिस के जवान मिलेंगे, कहीं टूरिस्ट पुलिस केंद्र मिलेंगे, कहीं ट्रैफिक पुलिस मिलेगी, कहीं SDRF मिलेगी, सब तरह से आपको सहयोग उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल जितने भी हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब के माध्यम से, उत्तराखंड पुलिस के पेज से, मेरे अपने पेज से आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा कि मौसम कैसा है, यात्रा सुगम चल रही है, कहीं रास्ता बंद तो नहीं है। ये सारे आप अपना लगातार सोशल मीडिया से आप अपडेट लेते रह सकते हैं। आपकी यात्रा सफल और सुगम हो, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।